हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और अपना खूब अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो मैं अभी जो है लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट मैंने बना लिया है और कल जो मैंने ब्रेकफास्ट आप लोगों से शेयर करी थी ना, वही ब्रेकफास्ट आज फिर से मेरे बेटे ने मुझसे बनवाई है। तो ये बच्चों की ना बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होती है। तो अभी जो है लंच की तैयारी कर लूँगी। तो उससे पहले ये जो अंडा करी की सब्ज़ी है ये अभी नहीं बनाऊँगी। सबसे पहले तो मैंने ना पम्पकिन को अच्छे से धो के ना छोटे छोटे बारीक जो आलू का भुजिया हम लोग काटते हैं ना, ठीक वैसे ही मैंने जो है थोड़ा सा मोटा रखा है साइज़ में। तो इसको वही भुजिया जैसा ही बनाएंगे तो अच्छा लगता है ये रोटी चावल के साथ भी। तो सबसे पहले तेल में ये सरसों के तेल में ही बनाती हूँ मैं सारे खाने। तो तेल में मैंने डाल दिया है काला जीरा, जो मंगरेला आप लोग बोलते हो। तो ये इसका तड़का मुझे अच्छा लगता है खाने में, और जीरे से ज़्यादा मुझे इसी का तड़का अच्छा लगता है, इसलिए मैं यही डालती हूँ। तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी तड़का यूज़ कर सकते हो, मेथी भी यूज़ कर सकते हो, जीरा भी यूज़ कर सकते हो। तो उसके साथ ही मैंने एक सूखी लाल मिर्च को डाल दी है, और उसके बाद जो कटे हुए पम्पकिन थे उसको भी मैंने डाल दिया है, और हरी मिर्च भी दो ऐड कर दिया है। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते, इसलिए इस तरह की रेसिपी मुझे अच्छी लगती है बनाने में, खाने में भी अच्छी लगती है, बहुत क्विकली बन जाती है ये, 10 मिनट से भी कम लगता है समय। तो बस इसमें नमक और हल्दी ही जाएगा, और इसको ढक के भी पकाने की ज़रूरत नहीं है, ये खुले में ही लो मीडियम फ्लेम पे जो है फ्राई करते रहेंगे हल्का हल्का सा बीच बीच में, तो ये बहुत ही जल्दी से है बन के तैयार हो जाता है। तो सुबह मुझे जो है रोटियां वगैरह नहीं बनानी पड़ रही, लास्ट 2 दिन से रोटी वगैरह नहीं बना रही हूँ मैं, लेकिन सैंडविच बनाया है, थोड़ा सा ज़्यादा ही बना लिया है ताकि वो हम लोगों का भी हो जाए, और एक दो अगर रह जाता है शाम तक तो ठीक है, हाँ रह भी जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा भी मैंने बना ही लिया है। और ऐसी चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा ही बना के रखना ठीक है, अक्सर जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो बच्चे ऐसे ना हॉटपॉट निकाल के जब भी उनको भूख लगती है तो खा लेते हैं। वैसे तो रोटी चावल ये लोग मतलब अपने हाथों से नहीं खाना चाहते, लेकिन इस तरह की अगर चीज़ें बनाओ ना तो बच्चे आराम से खा लेते हैं। तो आपसे बात करते करते पम्पकिन अच्छे से जो है नरम हो चुकी थी, और उसको मैंने निकाल के रख दिया है सेपरेट एक बर्तन में। और इधर मैं अभी बनाने लग रही हूँ अंडा करी। तो अंडा और आलू के एक ही साथ जो बॉईल कर दिया था मैंने, 2 सीटी काफ़ी होती है। तो अभी अच्छे से इसको नमक हल्दी के साथ मैंने थोड़ा सा फ्राई करके निकाल लिया है, और अभी तेज़पत्ता डाला है तेल में, और अभी जो है पेस्ट किए हुए मसाले ऐड करूँगी। मसालों में प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और थोड़ा सा जीरा दिया था, उसी को पेस्ट कर दिया है मैंने। तो बस थोड़ा सा जो है पानी डाल के जो भी मसाले रहते हैं ना बचे हुए सब कुछ मैं निकाल लेती हूँ, कुछ भी नहीं बचता है, कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ मैं। तो ये अभी कढ़ाई में जा चुका है, और 10 मिनट तो आराम से लग ही जाते हैं मसाले भूनने में। तो इस बीच थोड़ा सा ना मैं बचा कुचा जो भी काम रहता है ना, छोटे मोटे से जैसे कि फ्रूट्स वगैरह कट करना हो, सलाद वगैरह कट करना हो, तो इस बीच कर लेती हूँ। और नमक और हल्दी मैं इसी टाइम में जो है डाल रही हूँ। तो धनिया का पाउडर भी डालूंगी, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा मसाला भुन जाए, क्योंकि मेरा ऑलरेडी धनिया पाउडर भुना हुआ ही रहता है। और सब्जियां मेरे घर में ना कोई ज़्यादा खाता नहीं है, पसंद भी नहीं करता है, तो इसी वजह से ना मुझे एकदम थोड़ा थोड़ा सा सब्जी बनाना पड़ता है, और साइड बाय साइड ये सारी चीज़ें भी बनानी पड़ती है मुझे, तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर घर में सब कोई सब्जी खाने वाले हो तो बात अलग है, लेकिन अगर कोई नहीं खाता है तो ये सब तो बनाना ही पड़ता है ना। और जो है आज बारिश वगैरह तो नहीं हो रही है, हाँ कल हुई थी बारिश थोड़ी देर के लिए ही हुई थी, और अभी ना मौसम बहुत अच्छा सा हो गया, गर्मी अभी नहीं है, उमस वाले अभी थोड़ी सी गर्मी से राहत है। और ये सैंडविच जो सुबह में मैं बनाई थी, इसी ब्रेड का मैंने बनाया था, वाइट ब्रेड का,
तो इससे कोई भी पार्ट जो वेस्ट नहीं जाता है, जैसे कि ब्राउन ब्रेड में कॉर्नर्स वगैरह मेरा बेटा खाता नहीं है, फेंकना होता है तो बर्बाद हो जाता है। इसी वजह से आज मैंने सोचा कि वाइट ब्रेड से ही बना लेते हैं। और ये सारी चीज़ें जैसे सैंडविच वगैरह हो गया, चीज़ सैंडविच, ये सब जो अभी मैं बना रही हूँ ना, ये आदि होने के बाद ही अभी जस्ट स्टार्ट किया है बनाना, मतलब जब से वो स्कूल जाने लगा है तब से, उसके पहले तक तो नहीं बनाती थी। यही होता है ना, बच्चे घर में हो ना तो तरह तरह के रेसिपीज़ वगैरह वो लोग डिमांड करते हैं, तो हमें बनाना ही पड़ता है। तो आजकल ना क्या होता है पता है, मतलब यूट्यूब में जाके देखकर कोई भी वीडियो रेसिपी वाली जो उसको अच्छी लगती है तो वो मुझे दिखाएगा और बोलेगा मम्मा ऐसा वाला तुम बनाओ ना, बना के खिलाओ, या ऐसा वाला बनाओ, तो मुझे बनाना ही पड़ता है। तो अभी तो इतनी वैरायटी हो गई है ना, मतलब यूट्यूब में जाओ या कहीं भी इंस्टाग्राम में जाओ तो वहाँ पे बहुत सारी रेसिपीज़ वगैरह हमें दिख जाती है। तो जो मुझे आसानी होती है बनाने में, जो मुझे लगता है कि नहीं ये ज़्यादा टफ नहीं है, और जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मैं वो ज़रूर देख के जो है अभी बना देती हूँ। तो बस पानी डाल के इधर मैंने जो है आँच को कम कर दिया है, और तब तक ये जो ओवन है इसके ऊपर जो भी गंदा हो जाता है ना खाना बनाते बनाते, तो उसको मैं जो बस साफ़ कर ले रही हूँ। तो अभी बाद में फिर से और सफाई करनी है, मैं ऐसे बीच बीच में पोंछती रहती हूँ ताकि ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े हमें बाद में, क्योंकि चिकनाई हो जाती है ना, यहाँ पे तेल के छींटे वगैरह पड़ते हैं। तो इस तरह से अगर आप बीच बीच में खाना बनाते बनाते भी क्लीन करें ना, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है बाद में। और ये रेड रेड सा जो हो गया ना, इसको जितना भी मैंने साफ़ करने की कोशिश की निकलता ही नहीं है। ये गंदा नहीं है एक्चुअली, मगर इसका कलर ही ऐसा हो गया है। तो क्या एक चीज़ डालकर मेरे हस्बैंड ने एक बार साफ़ की थी, पता नहीं उसके बाद से ही ऐसा कलर हो गया है कि इसको जितना बार भी मैं, अगर मतलब स्कॉच से भी बहुत बार इसको जो है घिस के देखा है, फिर भी जो है एज इट इज़ ये दाग रह गया है। तो बेटे को ना अभी जो है लग गई थी भूख, और मेरा लंच वगैरह सब कुछ हो गया था, लेकिन लंच अभी जो है खिलाने का टाइम हुआ नहीं था। तो मैंने कहा चलो भूख लगी है तुम्हें तो तुम हॉटपॉट से निकाल के जो है सैंडविच खा लो। तो मैंने खुद से ही बेटे को ये सब चीज़ बोला है करने को कि तुम सीखो, ये सारी चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए। अब उसको ये भी नहीं पता था कि हॉटपॉट किसको बोलते हैं, तो मैंने उसको उंगली दिखाया दूर से ही और जो है हाथों से ही बताया इसको हॉटपॉट बोलते हैं। तो आज के बाद से जो है उसको ध्यान रहेगा कि इसको हॉटपॉट बोलते हैं। देखिए कितने अच्छे से जहाँ से वो उठाया था वहाँ जाके वो रख दिया है, और बहुत ही अच्छे से एक कटोरी में जाके लेके जो है बैठ गया है। तो ये सारी चीज़ें जो मतलब कुछ कुछ काम जो होता है ना बच्चों से करवाने भी चाहिए, क्योंकि उनका आदत बनी रहती है। तो जो है कुछ कुछ चीज़ें जैसे घर के किचन के सामान के नाम वगैरह सब कुछ, ये सब भी जानकारी होनी चाहिए बच्चों को। और ये जो टाइम है, ये इस टाइम में हमारा लंच वगैरह हो गया था, और अभी जो है चिमनी थोड़ी सी साफ़ करनी भी ज़रूरी हो गई थी। एक्चुअली इसको साफ़ तो केरोसिन तेल से जो है बहुत अच्छे से चिकनाई चली जाती है, लेकिन वो मेरे पास है नहीं अभी। तो अभी मैं ना क्या कर रही हूँ, सूखे कपड़े से इसको पोंछ रही, कपड़ा मैं फेंक दूँगी तो इसी तरह से ना ये जो चिकनाई है थोड़ी बहुत निकल जाती है। पूरी तरह से तो नहीं निकलती है, लेकिन जितना हो सकता है मैं प्रेशर दे दे के करने की कोशिश करती हूँ। और ये सारी साफ़ सफाई करने में ना मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है अगर पूरा डीप क्लीनिंग करो तो हल्का हल्का सा ना मैं डेली ऐसे जो है क्लीन कर देती हूँ। हर दिन तो मुझे रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ मैं हर चीज़, लेकिन आज सोचा कि मैं ये चीज़ थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ। और मैं आपको दिखाऊंगी कैमरे में, देखना अब इतना ज़्यादा जो है इसमें से तेल निकला, ये देखिए।
इतना कपड़ा पूरा देखिए देख सकते हो पूरा चिपचिपा सा एकदम काला काला सा हो गया। कुछ तो मेरे हाथों में भी लग गए, चिपक गए, तो अच्छे से हाथों को भी वॉश करूँगी मैं। और मैंने लाइट ऑन करके रखी थी, पता नहीं क्यों अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, कैमरे में अंधेरा सा लग रहा है, लेकिन मुझे तो अच्छी खासी लाइट दिख रही थी। एक्चुअली क्या होता है ना, बाहर से बहुत ज़्यादा जब लाइट आती है तो उसी जगह मैंने कैमरा रख दिया था, मुझे ध्यान नहीं रहा, इसी वजह से शायद अंधेरा अंधेरा सा जो है हो गया है। तो अभी देखिए इस टाइम में मैंने थोड़ा कैमरा दूर सेट कर दिया, तो अभी ठीक से लाइट दिखाई दे रही है। तो अभी मैं क्या करूँगी, ये जो नीचे के कैबिनेट वगैरह है ना, इसको मैं जो है गीले कपड़ों से पोंछ दूँगी। ये तो डेली का ही है, तो इस समय में सारा खाना वगैरह बर्तन बर्तन धोना हमारे आधे काम हो चुके रहते हैं, तो और कोई काम अभी किचन में नहीं रहता है, इसी वजह से इसी टाइम में मैं जो है थोड़ा सा टाइल्स में भी हाथ मार लेती हूँ और थोड़ा सा ये कैबिनेट वगैरह भी ऊपर ऊपर से मैं पोंछ दूँगी। और बेटा अभी उधर कार्टून देख रहा है, तो अभी मैं उसको जो है थोड़ी देर में बोलूँगी सो जाने के, थोड़ा सा नैप लेने के लिए बोल दूँगी 1 घंटे। तो उसके बाद जो है शाम को तो फिर उसके पढ़ाने का मुझे टाइम जो है हो जाता है, तो ये सारी साफ़ सफाई करके मैं हो जाती हूँ फ्री। मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ बेटे के साथ। तो ये जो कपड़ा है इसको धो के अच्छे से मैंने ना सुखा के फिर इसको मैं एकदम जो है चिपचिपा पानी के साथ इसको नहीं पोंछना होता है, थोड़ा सा इसको निचोड़ लेती हूँ कपड़े को, थोड़ा सा ड्राई कर लेती हूँ, फिर जब के इसको वाइप करती हूँ तो एकदम अच्छे से क्लीन हो जाता है और बहुत ज़्यादा गंदा नहीं, बस पानी के वही छींटे वगैरह पड़ते रहते हैं ना, तो बस उसी वही छींटा है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है साफ़ सफाई में, बस ऊपर ऊपर से इस तरह से कर दे रही हूँ और ड्रायर खोल के बीच बीच से भी इस तरह से जो है मैं पोंछती रहती हूँ, तो क्या होता है ना मतलब नया सा बना रहता है, गंदगी भी नहीं रहती है ज़्यादा। फ्रेंड्स आप ये ब्लॉग मेरा कहाँ से देख रहे हो मेंशन करना, अपना लोकेशन, अपना नाम ज़रूर से मेंशन करना, कौन सी कंटेंट आपको देखनी ज़्यादा अच्छी लगती है वो भी ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिख देना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ढेर सारा प्यारा प्यारा सा कमेंट छोड़ना ना भूलें और शेयर ज़रूर से कर देना मेरे वीडियोज़ को। तो इधर का साफ़ करते करते ना अचानक से मेरा ध्यान गया इस कैबिनेट में, तो मुझे ना आपको एक चीज़ दिखानी है। फ्लिपकार्ट से जो भी ग्रॉसरीज़ में ऑर्डर करती थी ना, दाल चावल वगैरह, तो चावल के पैकेट में से ये ना टिफ़िन बॉक्स मिला मुझे, तो उन्होंने ही दिया है फ्लिपकार्ट वालों ने, बहुत ही अच्छी लगी मुझे, दिल खुश हो गया। अगर कुछ भी मिल जाए गिफ्ट में तो बहुत ही अच्छा लगता है ना, तो ये स्टील का है और दावत यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए दावत की जो चावल है वो हम लोग मंगवाते हैं, और इसका जो लीड है ना ये हार्ड प्लास्टिक का दिया हुआ है और नीचे का जो है वो जो है स्टील का दिया हुआ है। क्या रखूँगी अभी तक तो डिसाइड नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं है, मीडियम साइज़ की है, तो आप लोग ही मुझे सजेस्ट करना क्या रखा जाए इसमें।
तो बस अभी टिफ़िन को अभी मैं इसी में अभी रख दूँगी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि बहुत सारे डब्बे हैं मेरे पास अभी स्टॉक में जो कि अभी उसको मैं यूज़ नहीं करूँगी। और इधर मैंने जो भी सैंडविच बनाई थी वो इसी हॉट पॉट में है, तो उसको उठा के मैंने रख दिया है टेबल पे। और इधर ना मैं थोड़ा सा धूप आई थी तो चेयर लगा दी है, मैं 2-3 तकिए मैं यहाँ पर जो है धूप लगा दूँगी, क्योंकि ना स्मेल सी अगर ना रखो ना तो स्मेल सी आने लगती है, तो स्मेल ना आए इसी वजह से मैंने धूप में रख दिया है। और बेटा इधर ही बैठा हुआ है बेड पे, तो वो कार्टून वगैरह देख रहा है अभी। तो बहुत ही अच्छी सी धूप आ रही थी, कैमरे में तो दिखाई नहीं दे रहा उतने अच्छे से, बहुत कड़ा धूप भी नहीं है लेकिन है थोड़ा इतना है कि तकिए से जो है अच्छे से धूप लग जाएगी तकिए में। तो बस मेरा आफ्टरनून तक का रूटीन यही रहता है, तो आज का व्लॉग मैं रखती हूँ यहीं तक। और आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगा, थोड़ा सा भी पसंद आया ना तो ज़रूर से लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलती हूँ आपसे जल्द ही न्यू ब्लॉग को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा एंड टेक केयर।